कम से कम 10 युवा साथी को आप जिम्मेदारी के लिए गाड़ी कहाँ जाने की साइड आपको खुद से आपको सोचना पड़ेगा। गाड़ी धीरे धीरे बढ़ाएंगे। भीड़ को कम से कम एक्स्ट्रा खर्चे कम से देने का कोशिश करें। ये जिम्मेदारी हमारे गौरव को भी युवा साथी है कभी समय बार बार देने से लेकर हम नहीं एक कतार बार बार नहीं चले चट्टानी एक प्रकार पहचान दीजिए। चट्टानी एक प्रकार पहचान आप किसी और के नहीं आप सुजीत भैया के फूल है। सुजीत भैया के जो भी लोग गाड़ी के आगे है आप सभी पीछे आए। आप सुजीत भैया के ना होकर बदला लेने के लिए सुजीत भैया को धरती से अम्मा की धरती से आप बदला लेने के लिए हर बार आपके अभी मंच का ऐलान किया है। इसलिए आप चट्टानी एक प्रकार पहचान दीजिए। अपना 5 तारीख के शाम 4 बजे घटी है। लगभग 4 बजे का समय था और जिस प्रकार से ये दर्दनाक घटना घटी है शहीद सुजीत मेहता जी का, तो सबसे पहले तो मैं उनको नमन करता हूँ जो अमर शहीद हुए हैं। और मैं इस घटना का इस हत्या का मैं घोर निंदा करता हूँ। जो बिहार की सरकार है नीतीश कुमार जी की सरकार चल रही है और इनकी सरकार गठबंधन की सरकार चल रही है जिसमें बीजेपी शामिल है। मैं तो जब से बिहार में आया हूँ बिहार में देख रहा हूँ कि जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है और उस सरकार में नीतीश कुमार जी शामिल है उस समय से लेकर आज तक बिहार का लॉ एंड ऑर्डर इतना खराब किया गया है कि इससे पहले कभी भी इतना खराब नहीं था। कल के तारीख में नीतीश कुमार और तमाम लोग और लालू जी की सरकार को गुंडा राज बोलते थे, लेकिन आज के तारीख में नीतीश कुमार की सरकार में जो गुंडा राज कायम किया गया है जिसका जीता जागता साबूत है कि चलते फिरते नौजवानों को और लड़ने वाले लोगों को जो समाज के हित में आवाज़ उठाता हो समाज के हित में लड़ता हो समाज के लिए संरक्षण करता हो चाहे महिलाओं के लिए हो चाहे पुरुषों के लिए हो चाहे नौजवानों के लिए हो चाहे किसानों के लिए हो, तो सुजीत मेहता जी वो जन जन के एक आम जन जन का पुकार थे। वो नौजवानों का नेता थे, वो किसानों का थे, वो तमाम लोगों को संरक्षण करने की काम करते थे। इसलिए ये नीतीश सरकार पूरी की पूरी घटना की जिम्मेवार मैं तो नीतीश कुमार जी को मानता हूँ। चाहे पुरुषों के लिए हो चाहे नौजवानों के लिए हो चाहे किसानों के लिए हो, तो सुजीत मेहता जी वो जन जन के एक आम जन जन का पुकार थे, वो नौजवानों का नेता थे, वो किसानों का थे, वो तमाम लोगों को संरक्षण करने की काम करते थे। इसलिए ये नीतीश सरकार पूरी की पूरी घटना की जिम्मेवार मैं तो नीतीश कुमार जी को मानता हूँ। नीतीश कुमार जी के संरक्षण में ही पूरी लॉ एंड ऑर्डर है, पूरी उनके अंदर प्रशासन है, लेकिन इनकी प्रशासन इतना बेलापरवाह है कि यहाँ थाना अम्बा थाना बहुत दूर नहीं है, दिन दहाड़े
दिन दहाड़े अगर घटनाएं घट रही है तो आप इसे अंदाजा लगा सकते हैं कि नीतीश कुमार जी के सरकार में और भारतीय जनता पार्टी की सरकार में किस प्रकार से खुल्लम खुल्लम गुंडागर्दी हो रहा है। उत्तर प्रदेश में बुलडोजर चलाया जा रहा है और बिहार में नीतीश कुमार जी के सरकार में हमारे नौजवानों को, हमारे लड़ने भिड़ने वाले लाखों क्रांतिकारी साथियों को दिन दहाड़े हत्या किया जा रहा है, मर्डर किया जा रहा है। मैं ऐसी सरकार को कड़ी से कड़ी निंदा करता हूँ और मैं नीतीश कुमार जी से मैं उनको गा करता हूँ और आपके औरंगाबाद के जो सांसद हैं, आपके विधायक हैं, ये सारे के सारे लोग सरकार की सारे पर सभी लोग इस घटना में किसी न किसी रूप में संलिप्त है। अगर संलिप्त नहीं है तो आप लोगों को जल्द से जल्द ये हत्यारे लोगों को आपको अरेस्ट करना चाहिए, उनकी फांसी की सजा होना चाहिए। आज तीसरा दिन घटना के हो रही है लेकिन किसी लोगों को अभी तक गिरफ्तार नहीं किया गया है। आप इसे अंदाजा लगा सकते हैं कि ये कितना प्रशासन इसमें मिला जुला है और सरकार की मिली जुली भगत है। तो मैं चाहता हूं कि अगर सरकार की मिली जुली भगत नहीं है तो सरकार इस घटना के छानबीन करे और सारे सारे अपराधियों को जो दिन दहाड़े गोलीबारी कर रहे हैं, आज सुजीत मेहता जी के हुआ है, कल और किसी के होगा, कल और किसी के होगा, ऐसी घटनाएं घटते रहेगी तो मूल निवासी बहुजन समाज के लोगों को ये अन्याय अत्याचार से कब छुटकारा मिलेगा, ये जंगलदार से कब मिलेगा। इसलिए मैं चाहता हूँ सरकार इसकी जल्द से जल्द गिरफ्तार करे, उनको फांसी की सजा दे। धन्यवाद।